कुछ पार्सल मंगवाया अमेजोन से। क्या आया है इसमें? स्क्रैपर, स्क्रैपर है ये, गम एडेसिव जो बचा होता है उसको उतारने के लिए। स्टिकर वगैरह रिमूव करने के बाद में रेजिड्यू नीचे रह जाता है, उसको निकालने के लिए। ये प्लास्टिक है तो ये इसे बॉडी पे से कहीं निकालना उसके काम आता है। इस साइड लोहे की ब्लेड लगी है। ग्लास के ऊपर से स्टिकर रिमूव करने के बाद में जो रेजिड्यू बच जाता है उसको निकालने का काम आता है इससे। आप ही मंगवा सकते हैं, 300 रुपये का आया था ये। साथ में ब्लेड्स भी हैं इसके बहुत सारी, 1 2 3 4 5 ब्लेड्स हैं। प्लास्टिक की 5 ब्लेड्स एक्स्ट्रा और मेटल वाली 5 ब्लेड एक्स्ट्रा है। स्क्यूजी, वैसे स्क्यूजी महंगे आते हैं पीपी वाले, 400 रुपये के आसपास एक स्क्यूजी आता है, बट ये 500 के 3 स्क्यूजी आ रहे थे तो मैंने मंगवा लिए। एंड थर्ड वन इसमें मंगाया हमने स्प्रे बोतल। जो पहले स्प्रे बोतल थी वो थी 1 लीटर और उससे बड़ी थी वो थी 1.5 लीटर की, यह है 2 लीटर का स्प्रे। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। प्रेशर यदि कम बनता है इसमें तो हमारे काम का नहीं है ये। ओके, इसको आगे का स्प्रे जो है इसको एक्सटेंड करने के साथ में दिया हुआ है, एक ऐसा लंबा करके इसको लगाने पे लंबा हो जाता है आगे से। गार्डन स्प्रे, बट गार्डन स्प्रे अब बनेगा पीपीएफ स्प्रे। पानी साथ में है, यहाँ पे। वाह, कितने का है? कितने का है? 1200 रुपये का है। ठीक है, गाड़ी रेडी है पूरी। गाड़ी को वॉश मत करवाना, हफ्ते भर वॉशिंग मत करवाना गाड़ी को। वैसे मोस्टली वॉशिंग बाहर करवाते हो या आप घर पे करते हो? घर पे करते हैं। घर पे करते हो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी क्लीनिंग अभी तो हो रखी है पूरी, अभी क्लीन करने की नीड नहीं है। और बार बार कपड़ा गाड़ी मत मारना, एक दो दिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दो दिन बाद हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। थार का बेजिंग वापस लगा दिया है, पीछे का जो बेज था वो रिमूव कर दिया है, उसको अंदर रख दिया हमने, है ना। तो आपको उस पर वो सेम लगवाना हो या 4x4 का लगवाना हो या नहीं लगवाना हो, वो आपकी इच्छा है। यहाँ से ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका लोगो अंदर पड़ा है, ठीक है, ओके ओके। मैट ब्लैक किया, इसके अलावा क्या करना है इस गाड़ी का? बस मीटर और मीटर पे क्या करना है? स्मोक ठीक है, कर दे। बैक लाइट बनवा, चेंज कर दिया क्या इस पर? ठीक है।
क्या लगता है नीचे गया होगा स्क्रैच? इसमें बहुत सारे डॉट्स आ रखे हैं, डॉट्स के साथ डेंट आ रखा है सब में, सारे डेंट हैं। ये बकरी ने किया है, देख लो, कोई पहाड़ी बकरी थी क्या, लंबे सिंह वाली। देखते हैं, इसको निकालो, दूर इसको निकालो। डैमेज तो काफी है, देखना इसको, इसको तो क्लीन कर दे, इसको क्लीन कर, इसको क्लीनर से क्लीन कर इसको। देखो कितने डॉट आ गए इसमें, कम से कम भी 20 से 25 जगह आ रखे हैं इसमें डेंट। क्लीन करो, तो ऊपर वाला कर दो, ये तो निकल गया, ये देखो। फिर भी कुछ लोग बोलेंगे कि डेंट तो आ गया, फिर भी क्या काम का बीपीएफ। पूरा निकाल दो, पूरा डोर रिप्लेस करना पड़ेगा इसका, कम से कम 20 पे 20-30 से ज़्यादा है इसमें, है ना। ये पार्ट रिप्लेस कर दिया करने को तो, लेकिन इसमें इतने सारे डेंट देखो, इतने सारे डेंट हैं इसमें, डेंट नहीं गए बट स्क्रेच नीचे बिल्कुल भी नहीं हुआ। यू कैन सी तो पीपीएफ जो होती है उसका ये बेनिफिट होता है कि स्क्रेच नहीं आएगा, बाकी जो डेंट्स आते हैं वो पीपीएफ बचा नहीं पाता, पूरा डोर खराब हो रखा है। एंड ये कार हमने लगभग साल भर पहले करी थी पीपीएफ, अभी वेल कंडीशन में है, शाइनिंग चेक कर सकते हो, एज इट इज़ है, थोड़ा भी 19-20 नहीं हुआ शाइनिंग में। जिसमें तो ये अच्छे से वॉश भी नहीं करी हुई है,